दोस्तों कुछ लोगों को फीवर आ रहा है, हेडेक हो रहा है, गला खराब हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी वो टेस्ट नहीं करा रहे हैं कोरोना वायरस का। तो देखिए, टेस्ट कराने के मैं आपको तीन फायदे बता देता हूँ। टेस्ट कराने के बाद अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो लोग ज़्यादा विजिलेंट हो जाते हैं, ज़्यादा सावधान हो जाते हैं कि पॉजिटिव है, तो घर वाले भी थोड़ा सावधानी बरतते हैं, सब लोग मास्क लगाते हैं। नेगेटिव आता है तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव आता है तो बाकी लोग सावधान हो जाते हैं आपके आसपास के, तो आप फैलाएंगे नहीं दूसरों को, आप खुद भी सावधान हो जाते हैं, आपको खुद भी अंदर डर हो जाता है, तो आप ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं, ज़्यादा ट्रीटमेंट अच्छे से लेते हैं, लेकिन आप टेस्ट ही नहीं कराएंगे तो आप उस चीज़ को सीरियसली लेंगे नहीं। दूसरी चीज़, रिकॉर्ड हो जाता है, मतलब अगर आप टेस्ट कराते हैं तो हॉस्पिटल में रिकॉर्ड हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि इतने लोगों को हो रहा है। नहीं तो आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो रिकॉर्ड में ही नहीं आएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि कितने लोगों को हुआ। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी कंडीशन सीरियस होती है तो वो रिपोर्ट आप हॉस्पिटल में जा के दिखा कर एडमिट हो सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे हॉस्पिटल आपके रिपोर्ट को मानेंगे नहीं, आपके कहने पर नहीं आएंगे, वो आपके रिपोर्ट को देखेंगे। अगर आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट है, अगर आपके पास पॉजिटिव रिपोर्ट है, तभी वो एडमिट करेंगे। तो ये तीन फायदे हैं दोस्तों एंटीजन या फिर आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के। तो अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो रही है, कोई भी सिम्टम आ रहा है, तो टेस्ट ज़रूर करवाएं।